अपनी गाड़ी में जो ऊपर से हाइट है उसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा डर रहता है। डर लगा है बड़े दिनों के बाद अपने कश्मीर, हम बहुत मिस कर रहे हैं अपने कश्मीर को, क्योंकि अपना कश्मीर हमें कहीं इंडिया में नहीं मिलेगा भाई। ये देखो, वी लव अवर मदरलैंड, दैट इज कश्मीर भाई। 2:05, अब हम सोच रहे हैं कि हम इस बॉर्डर को क्रॉस करेंगे, फिर आगे मोरथल वर्थल में कहीं पे सो जाएंगे आराम से, क्योंकि रोड जो है वो ऑलरेडी आगे बंद है। जाना पड़ा पहले पंचकूला वाले रोड पे, फिर उसके बाद मतलब पंचकूला से डेरा बसी वाले रोड पे, और डेरा बसी से फिर से हमें पहुंचना है राजपुरा यार। पूरा दिन भाई ने भारी जो है खोल के रखी है। भाई भारी क्यों खोली है? कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। बिस्मिल्लाह, मैं गाड़ी नहीं छोड़ूंगा भाई, आप टेंशन मत लो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपको फिर से वेलकम करते हैं अपने चैनल में। सो ये आप देख सकते हो भाई, अपनी गाड़ी जो है वो बिल्कुल पकी हुई थी श्रीनगर के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपनी गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं हो रही है, पता नहीं क्या हो गया। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी गाड़ी की बैटरी जो है उसको चेंज करेंगे, उसके बाद जाएंगे लोडिंग के लिए। कंटिन्यू आए चल के और दिल्ली पहुंचे, रात को सो गए, सुबह हमने सोचा हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी सेल्फ ही नहीं उठा रहा था। अब क्या कर रहे हैं हम, अब अपनी गाड़ी का जो बैटरी है इनको खोलेंगे और इनको चेक करवाएंगे बैटरी वाले के पास अच्छी से। अब यहाँ पे दूसरा ड्राइवर मिला हमें जम्मू का, उसने बोला उस्ताद कोई बात नहीं, आप बैटरी खोलो, मैं आपको बैटरी दूंगा। उसने पहले धक्का देने की कोशिश की लेकिन गाड़ी धक्का स्टार्ट नहीं हुई। अब क्या काम करना होगा, अब अपनी बैटरी खोलेंगे दोनों। ये देख सकते हो भाई, अभी यहाँ पे अपनी दोनों बैटरी खोल के अच्छी तरीके से करेंगे अपनी गाड़ी स्टार्ट, फिर उसके बाद देखेंगे किस बैटरी में मतलब प्रॉब्लम है, वो चेंज ही करेंगे या घर में जाके। मैं सोच रहा था घर जाके ही चेंज करेंगे, क्योंकि वहाँ पे अपना जो भाई है वो एक्साइड केयर में काम करता है, एक्साइड मतलब जो कंपनी है बैटरी की इसी में वो काम करता है। उसने बोला मैं आपको अच्छे रेट में दिलवाऊँगा भाई, देखो। सो गाइस, अपनी गाड़ी जो है वो बिल्कुल पक्की हो चुकी है श्रीनगर नौगाम के लिए, लेकिन यहाँ पे जो है बहुत दिक्कत हो रही है गाड़ी मोड़ने में। ये आप देख सकते हो कितना ज़्यादा जाम है यहाँ पे भाई साहब, बहुत ज़्यादा जाम है। तो फिलहाल हम फैक्ट्री के पास पहुँच चुके हैं, तो अभी जो है कांटा वाटा हो गया है और अपनी गाड़ी जो है अभी मतलब हम अंदर करेंगे फैक्ट्री के अंदर, और उसके बाद करेंगे अपनी गाड़ी जल्द से जल्द लोड भाई। लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, बहुत टेंशन हो रहा है, क्योंकि सुबह से हम खाली आगे पीछे कर रहे थे, खाली आगे पीछे, क्योंकि यहाँ पे जगह ही नहीं है यार, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है गाड़ी लगाने के लिए। देखो फिलहाल वो अपना उस्ताद जो है वो गाड़ी अंदर कर रहा है, इसके बाद अपनी गाड़ी जो है फैक्ट्री के अंदर करनी है, और अपनी गाड़ी में जो माल भरना है वो है दाल नौगाम बाईपास के लिए। तो लेटस चलते हैं, करते हैं अपनी गाड़ी जल्द से जल्द अंदर पार्क, और उसके बाद करते हैं अपनी गाड़ी की लोडिंग स्टार्ट भाई। ये देखो भाई कितना जाम है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। और फाइनली भाई अपनी गाड़ी जो है वो बिल्कुल अंदर आई है, ये आप देख सकते हो फैक्ट्री के अंदर, और अभी जो है अपनी गाड़ी की लोडिंग हो रही है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा क्या हो रहा है अपनी गाड़ी में लोड। ये देखो भाई, सूजी लोड हो रहा है, क्योंकि मुकद्दस महीना आने वाला है रमज़ान का, इसीलिए अब अपने कश्मीर श्रीनगर में सूजी का डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए ट्रांसपोर्टर को भी पता नहीं है, लेकिन मतलब वो धोखा ही देते हैं। उसने बोला पहले कि अंडर माल है, आपको दाल भरनी है। अब जब हम फैक्ट्री के अंदर पहुँचे तो हमने यहाँ पर देखा कि अपनी गाड़ी में जो है माल वो ओवर हाइट हो गया है, 3 डब्बा सूजी, और इसी के साथ साथ करेंगे अपनी गाड़ी जल्द से जल्द लोड और निकल जाएंगे भाई फिर यहाँ से तुरंत, और पहुँच जाएंगे आज बड़े दिनों के बाद अपने कश्मीर। हम बहुत मिस कर रहे हैं अपने कश्मीर को, क्योंकि अपना कश्मीर हमें कहीं इंडिया में नहीं मिलेगा भाई। ये देखो, वी लव आवर मदरलैंड, दैट इज़ कश्मीर। सो गाइस, अपनी गाड़ी की जो लोडिंग है वो ऑलमोस्ट कम्प्लीट होने वाली है, ये आप देख सकती हो जो लास्ट दांग है वो लोड हो रहे हैं। तो फिर इसके बाद हम अच्छी तरीके से डालेंगे अपनी गाड़ी में रसद रबाल। ये देख सकती हो भाई, अभी जो टाइम हुआ है रात के
12:30 बज चुके हैं, तो फिर इसके बाद निकलेंगे हम यहाँ से फैक्ट्री से और करेंगे दिल्ली को इसी के साथ साथ बाय, क्योंकि आगे जो बॉर्डर है, जो मतलब कुंडली बॉर्डर है, वो पार करके फिर हम सो जाएंगे कहीं पे अच्छी जगह मोरथल वोरथल क्रॉस करके, ये आप देख सकते हो भाई। सो करते हैं जल्द से जल्द अपने गाड़ी की लोडिंग कंप्लीट, उसके बाद डालेंगे रसद रुपाला और निकल जाएंगे फिर यहाँ से अच्छे से भाई। और भाई इसी के साथ साथ हो गया भाई दिल्ली को, और अपनी फ्लाइट जो है गाड़ी वो एकदम रेडी हो गई श्रीनगर के लिए, नौगाम के लिए। तो ये आप देख सकते हो अभी हम जस्ट नाउ पहुंचने वाले हैं सिंगू बॉर्डर पे, इसीलिए यहाँ पे बॉर्डर का थोड़ा बहुत जाम है, लेकिन आप ये भी चेक करो बारिश कितना जोर से हो रहा है यहाँ पे भाई, बहुत फास्ट बारिश हो रही है। तो हमने वहीं पे जो अपना रसद रुपाल है वो बिल्कुल फिक्स किया है, ओके किया है, क्योंकि हमें पता है कि आज मौसम ख़राब है, इसीलिए रसद रुपाल डालना पड़ता है बढ़िया तरीके से। 3 रुपाल हमने डाले हैं, क्योंकि मैंने भाई को बोला इस टाइम अगर 10 मिनट फालतू लगेगा फिर रास्ते में कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल हम पहुंचने वाले हैं सिंगू बॉर्डर पे और निकलेंगे फिर इसी के साथ साथ करेंगे दिल्ली को भाई। और अभी जो भाई टाइम हुआ है, अभी भाई कितना टाइम हुआ है ये देख सकते हो भाई, 2:05 टाइम हुआ है, लेकिन क्या ही करेंगे, अपनी जो ड्यूटी है ट्रक लाइफ ये ऐसी है, इसमें ना कहीं पे दिन ना कहीं पे रात, कुछ नहीं। ये देखो भाई 2:05, अब हम सोच रहे हैं कि हम इस बॉर्डर को क्रॉस करेंगे फिर आगे मोरथल वोरथल में कहीं पे सो जाएंगे आराम से, क्योंकि रोड जो है वो ऑलरेडी आगे बंद है। तो अब ऊपर वाले से भी यही दुआ है कि भाई रोड जल्द से जल्द खुलना चाहिए, क्योंकि आज हमें हो गया है 1 महीना 10 दिन घर से बाहर, हमें अपने घर की बहुत यादें आती हैं, अपने फैमिली की बहुत ज़्यादा यादें आती हैं। तो फिलहाल करते हैं इस बॉर्डर को जल्द से जल्द क्रॉस और मिलेंगे फिर आगे, देखेंगे कहाँ पे अपना स्टॉप होगा वहीं पे फिर रुकेंगे फिर निकलेंगे सुबह आराम से, क्योंकि टाइम भी बहुत लेट हुआ है आज भाई। सो गाइस ये आप देख सकते हो अभी हम जस्ट पहुंच चुके थे अम्बाला, लेकिन यहाँ पे क्या सीन हुआ है, यहाँ पे जो बॉर्डर है शंभू बैरियर वो जाम किया हुआ है किसानों ने, अब उसकी वजह से जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट किया जाता है कहाँ से, डेरा बसी वाले रोड से, क्योंकि किसानों का कुछ मतलब इशू है, कुछ मांग है, इसलिए उन्होंने वो जो शंभू बॉर्डर है उसको बंद किया है। ये आप देख सकते हो भाई यहाँ पे रोड जो है बिल्कुल सिंगल रोड है, ऊपर से बहुत ज़्यादा जाम है, कम से कम हमें 1 घंटा हो गया जाम में। और ये आप देख सकते हो फिर से स्टार्ट हुआ है बारिश, और इसी के साथ साथ अपना भाई जो है ये आप देख सकते हो भाई, क्योंकि टाइम भी बहुत लेट हो चुका है, 12:30 अभी बज चुके हैं। तो मैंने भाई को बताया कि हम अपना खाने पीने का भी इंतज़ाम करेंगे भाई। के साथ साथ लेकिन हमने रोड से भाई लोग मैसेज कर रहे थे कि आबिद भाई रोड अभी बंद है, क्योंकि मैंने एक पोस्ट डाला था उस पर बताया था कि आप मुझे बताओ रोड की सिचुएशन क्या है भाई, क्योंकि आज आफ्टर 40 डेज वी आर कमिंग बैक टू आवर होम। बस ऊपर वाले से यही दुआ रहेगी कि रोड जल्द से जल्द ठीक होना चाहिए, क्योंकि हम भी अपने घर जाना चाहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी खुशी जो होती है वो है घर जाने की खुशी, ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशी होती है, आपको पता ही होगा। अपना होम जो है, अपनी फैमिली जो है, बहुत ज़्यादा हम मिस कर रहे हैं यार, खासकर अपने कश्मीर को, मदरलैंड को, क्योंकि हमारा कश्मीर कहीं दुनिया में कश्मीर जैसा नहीं मिलेगा भाई, कश्मीर हमारा रियली जन्नत है यार। और भाई ये आप देख सकते हो कितना ज़्यादा जाम है भाई, बहुत ज़्यादा जाम है, क्या ही करेंगे, 1 बजे से हम इसी जाम में चल रहे हैं, वास्ता जाम कूदा है। नमान उस्ताद कह रहे हैं कि अभी 1 किलोमीटर तक जाम है, अभी हम 12:30 पहुंच चुके थे, लेकिन भाई साहब क्या ही बताएंगे, जाम ने बुरा हाल किया है, क्योंकि
जो वहाँ पे शंभू बैरियर में बॉर्डर बंद है उसकी वजह से गाड़ियों को डाइवर्ट किया जाता है डेरा बसी वाले रोड से, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम है भाई, ये आप देख सकते हो वहाँ से भी गाड़ियाँ हैं और यहाँ से भी पूरा जाम है भाई। बहुत टेंशन हो गया, ऊपर से अपने जो फ्यूल की टैंक है वो भी ख़त्म हो गई है। मेरे ख्याल से इतना ही फ्यूल जलता था हमें पठानकोट तक जितना यहाँ पे जला है सुबह से, कम अज़ कम हमने 50 बार जो है सेल्फ दिया है, लेकिन क्या ही करेंगे भाई। और इसी के साथ साथ ये आप देख सकते हो अपना ड्रेस भी चेंज हुआ है, आज बहुत ज़्यादा सर्दी है यहाँ पे, अब हमने अपर वगैरह लगाया है क्योंकि दिन को बारिश हो रही थी और ज़्यादा सर्दी हो रही थी। सो करेंगे जल्द से जल्द इस जाम को पार और पहुँचेंगे अपने रोड पे, मतलब वहाँ से हमें राजपुरा खाली 30 किलोमीटर था, अब मतलब से राजपुरा की डिस्टेंस जो है 30 किलोमीटर, तो यहाँ से हमें जाना पड़ा पहले पंचकूला वाले रोड पे, फिर उसके बाद मतलब पंचकूला से डेरा बसी वाले रोड पे, और डेरा बसी से फिर से हमें पहुँचना है राजपुरा। यार पूरा दिन टूट गया 1 बजे से यहाँ तक, क्या ही करेंगे यार, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं हम। सो करते हैं इसको जल्द से जल्द पार और पहुँचते हैं अपने वाले रोड पर भाई। और भाई ये देखो आप यहाँ पे क्या हालत है रोड की, यहाँ पे इतना ज़्यादा डर लगता है गाड़ी उतारने को, ऐसा लग रहा है कि जैसे गाड़ी पलट जाएगा, ये आपको देख सकते हो भाई। तो फिलहाल हम भी चलेंगे आराम आराम से इन खड़ों में, ये आप देख सकते हो कितनी गहरी खड़े हैं, और इनमें क्या है पानी जो है वो भरा हुआ है क्योंकि सुबह से बारिश हो रही थी उसकी वजह से। गाड़ी है वो भी पलट गई है भाई, देखो क्योंकि अपनी गाड़ी में जो ऊपर से हाइट है उसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा डर रहता है कहीं गाड़ी पलट ना जाए भाई। देखो भाई ने भारी जो है खोल के रखी है, तो भाई भारी क्यों खोली है, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, मैं गाड़ी नहीं छोड़ूंगा भाई, आप टेंशन मत लो। करो बारी मान, करो बारी मान भाई, आई वो डर लगा इतना डर नहीं लगा।